साथ आदर्श तिवारी, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल सरकार ने जनता को दी सौगात, अभिलेखागार विकास के लिए 50 करोड़ की दी मंजूरी, पिछले साल रखी गई थी, कलाकुंज की आधारशिला। नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आए, सामने 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत की दर्ज, बीजेपी नहीं खोल पाई उपचुनाव में खाता। साउथ एमसीडी ने जनता को दी राहत, संपत्ति कर भुगतान करने के लिए माफी योजनाओं की बढ़ाई तारीख, अब 31 मार्च तक कर सकेंगे भुगतान। और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, पुलिस ने दर्ज किए 15 नई FIR, किसानों पर जताई गई विदेश भागने की आशंका। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कला और संस्कृति, ये जो परिस्थिति की है उसको संरक्षित करने के लिए बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली अभिलेखागार के कामकाज में सुधार के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। इससे अभिलेखागार के अंदर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य भी किए जाएंगे। साल 2020 में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सांस्कृतिक परिसर कलाकुंज की आधारशिला रखी थी। इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को एक ऐसा परिसर प्रदान कराना है जहां डिजिटल रूप में ऐतिहासिक दस्तावेज को देखा जा सकेगा और यहां पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण कलाकुंज के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। फिलहाल दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यटन परिवहन विकास निगम को दिल्ली अभिलेखागार विकास के 7 कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि देने की भी मंजूरी दी है। साथ ही कोरोना काल में हुए नुकसान और अभिलेखों के रखरखाव के लिए 1.32 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली अभिलेखागार विभाग में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के करीब 10 करोड़ पन्नों के अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। इन वार्डों में शालीमार बाग नॉर्थ, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, रोहिणी सी और चौहान भांगड़ शामिल हैं। इनमें से 4 वार्डों में आप प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सिर्फ 1 वार्ड चौहान भांगड़ कांग्रेस के खाते में गया है, जबकि बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र कुमार ने जीत हासिल की है, उनका मुकाबला बीजेपी के सियाराम से था। शालीमार बाग नॉर्थ से आपकी सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है, जबकि चौहान भांगड़ से कांग्रेस की जुबेर अहमद ने जीत हासिल की है। उन्होंने आपके इशराक खान को 10,642 वोटों से हराया। बात करें त्रिलोकपुरी की तो वहां आम आदमी पार्टी के विजय कुमार ने बीजेपी के ओम प्रकाश को 4,986 वोटों से मात दी है। वहीं रोहिणी सी से आपके रामचंद्र ने बीजेपी के राकेश गोयल को हराया है। उपचुनाव में जीत पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आपके कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब दुखी हो चुकी है। अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदार और काम करने वाली राजनीति को लेकर आएगी। आपकी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रचार की कमान संभाली थी। वहीं साउथ एमसीडी ने जनता को राहत देते हुए संपत्ति कर भुगतान करने के लिए 2 माफी योजनाओं की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है। इस संबंध में साउथ दिल्ली की महापौर अनामिका ने बताया है कि माफी योजना के अंतर्गत उन संपत्ति करदाताओं के ब्याज और जुर्माने की 100% राशि माफ हो जाएगी जो कुल बकाया कर राशि का भुगतान 31 मार्च तक कर देंगे। यह योजना सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वो समय पर संपत्ति कर अदा करें और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने दूसरी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिणी निगम के अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नई आम माफी योजना लागू थी, जिसके अंतर्गत रिहायशी और व्यावसायिक संपत्ति धारकों को केवल 2 साल 2019-20 और 2020-21 के संपत्ति कर का भुगतान करना है। साल 2004 से बकाया संपत्ति कर पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस मौके का लाभ उठाने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को 31 मार्च तक संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। इन कॉलोनियों के निवासियों को बड़े स्तर पर लाभान्वित करने के लिए संपत्ति कर भुगतान की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। सदन के नेता नरेंद्र चावला ने बताया कि इस आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण पहले कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इनमें ज्यादातर किसान नेता शामिल हैं। इससे पहले भी 40 किसानों के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। पुलिस को आशंका है कि ये लोग पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि है दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेजा गया है। अभी ज्यादातर नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और सतनाम सिंह पन्नू जैसे भी कई नेता शामिल हैं। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिंसा को लेकर 15 नई FIR दर्ज की गई है। अब कुल FIR की संख्या 59 हो गई है। इनमें से 14 की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। इनमें FIR में कुल 158 आरोपी और किसानों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 130 अभी जेल में हैं और बाकी को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि हिंसा से संबंधित फोटो वीडियो और ऑडियो देने के लिए आम लोगों से अपील की गई थी। लोगों ने 3000 फोटो 2001 वीडियो और 73 ऑडियो भेजे हैं। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए से 1810 फोटो और वीडियो भेजे गए हैं। इनसे आरोपियों के चेहरे को विकसित किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पहचान हो सके। पुलिस ने लाल किले से करीब 10,000 लोगों का डंप डेटा उठाया है। इन नंबरों से पता चला है कि सिंघू गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से किसान पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आ चुका है कि लाल किले पर झंडा फहराने की घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। किसानों ने पहले से ही तय कर लिया था कि उन्हें लाल किले पर जाना है और वहां फतेह दिवस मनाने के लिए झंडा फहराना है। दिल्ली में सड़कों पर साइकिल से बचेगा पैसा और पर्यावरण भी रहेगा स्वच्छ। वहीं अगर बेहतर निकासी का रास्ता मिल जाए तो साइकिल की सवारी समय के साथ पैसा तो बचाएगी ही, इससे सेहत भी बनी रहेगी। रोजाना 20 मिनट की साइकिल के प्रयोग से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। सभी के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शौकिया साइकिल सवार नहीं होने पर भी साइकिल छोटी दूरी की आवाजाही के लिए बेहतर माध्यम साबित हो सकती है। हालांकि सड़कों के ढांचागत खामियों और अव्यवस्थित यातायात लोगों को साइकिल चलाना सुरक्षित नहीं है। प्रीत विहार के दक्ष जाधव शौकिया साइकिल चलाते हैं। सुबह करीब 6 बजे वो रोज इंडिया गेट तक साइकिल से जाते हैं। वहीं करीब 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 20 मिनट के करीब लगते हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है सड़कों पर निकलना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि साइकिल चलाने वालों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि साइकिल ट्रैक सिर्फ 100 किलोमीटर लंबा है। इससे साइकिल सवारों को मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है। सड़कों की बनावट और पहले से बने साइकिल ट्रैक को रीडिजाइन करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार PWD के अधीन सड़कों को रीडिजाइन करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके तहत सिर्फ सड़कों का ढांचा ही नहीं सुधारा जाएगा बल्कि फुटपाथ साइकिल ट्रैक की सुविधा को भी वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाएगा। जून 2021 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने की उम्मीद है और 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि इसके बाद राजधानी की सड़कें वैश्विक मानकों को पूरा करेंगी।
दिल्ली परिवहन निगम ने 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को लेकर बोलियों को मंजूरी दे दी। इस कदम के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराहना करते हुए कहा है कि उनकी सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने निदेशक मंडल की बैठक में के बाद कहा है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 300 इलेक्ट्रिक बसें अक्टूबर से आनी शुरू हो जाएगी और अगले साल फरवरी तक सभी बसों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा है कि निजी वाहनों के साथ हम सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली लोगों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण को काबू में लाया जाएगा। हमारी इलेक्ट्रिक वाहन की नीति दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। ये 300 बसें एसी और लो फ्लोर होंगी। इसमें सीसीटीवी, जीपीएस समेत सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। दिल्ली के राजनीतिक दलों को हनुमान जी भाने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे बड़ा हनुमान भक्त बनने की लड़ाई कोरोना की वजह से थम गई थी, लेकिन एक साल बाद फिर आप विधायक ने बजरंग बली की पूजा और सुंदरकांड पाठ की शुरुआत कर दी है। ग्रेटर कैलाश से आप पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने शाहपुर जाट गांव में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और भजन कीर्तन के साथ लोगों ने इस पाठ का आनंद लिया। साथ ही इस मौके पर विधायक सौरभ भारद्वाज के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया, जहां पर आम जनता से जुड़े मुद्दों को सुना जाएगा और उनकी हर समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं सुंदरकांड पाठ पर हमारी खास रिपोर्ट। के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने शाहपुर जाट गांव में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और साथ ही सौरभ भारद्वाज के कार्यालय का उद्घाटन भी यहां किया गया। इस सुंदरकांड में बड़ी संख्या में इलाके के लोग भी शामिल हुए। सभी ने इस सुंदरकांड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंगल भवनी मंगल हारी रामायुध अंकित गए शोभा वर्ण न पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरा पति राम जय जय राम मेरे अरे मंगल भवन मंगल हारी ऐसन हटी हरि हम पहचानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए करि प्रणाम पूछी कुशलाई की तुम हरिदासन मह कोई की तुम राम दीन अनुरागी मंगल भवनिया मंगल हारी अब हनुमत कही सब राम कथा निज नाम मंगल जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी
सब मोही भा भरोस हनुमंता जो रघुवीर अनुग्रह की ना सुनहु विभीषण सब के रीति वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों चांदनी चौक में रातों रात बन गए हनुमान मंदिर को लेकर अभी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने शाहपुर जाट गांव में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। ऐसे में जब कार्यक्रम में संक्रमण फैलने के खतरे का सवाल पूछा गया तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब सरकार की तरफ से सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री राजनीतिक रैलियां करते हैं तब देखा जाना चाहिए कि वहां कोरोना फैल रहा है या नहीं। जब गांव के अंदर लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो कोरोना के नाम पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जबकि सरकार ने नियमों में ढिलाई कर दी है। पिछले साल हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुंदरकांड का प्रोग्राम करने की बात कही थी। हर महीने के पहले मंगलवार को ये कार्यक्रम करेंगे। कुछ महीने तक ये कार्यक्रम चला मगर कोरोना के अंदर जो बंदिशें लगी उस कारण इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। अब क्योंकि दोबारा से कोरोना जो है कम रहने दिल्ली के अंदर और आम तौर की जो जिंदगी थी वो वापस आ रही है, नॉर्मल लाइफ वापस आ रही है, तो हमने आज से दोबारा से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। साथ ही शाहपुर जट इलाके में हमारा विधायक कार्यालय नहीं था तो आज उसका भी इनॉग्रेशन जो है इस हनुमान जी के नाम के साथ जो है उसको भी शुरू कर रहे हैं। हर महीने के पहले मंगलवार को ये कार्यक्रम होगा और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर इच्छुक हैं, वो कहते हैं कि हमारे एरिया में कराएं, हम इसका जो है पूरा का पूरा जो खर्चा है पूरा का पूरा जो वो है वो कार्यक्रम वो कराएंगे। तो मुझे लगता है मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में इच्छा है कराने की और इस बहाने सारा वॉलंटियर्स सारे हमारे एरिया के लोग उनका मिलना हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत हो जाती है और कोरोना के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है इस तरीके की सकारात्मक शक्तियों की, इस तरीके के सकारात्मक आशीर्वाद की और लोगों के मन में जो है बड़ी पॉजिटिविटी फैलती है इस तरीके के कार्यक्रम से, तो हम हर महीने कार्यक्रम कराएंगे। दिल्ली में साल 2021 में नगर निगम की 272 सीटों पर चुनाव होने हैं और इससे पहले दिल्ली में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता खुद को बड़ा हनुमान भक्त बता रहे थे। ऐसे में जब सवाल पूछा गया कि क्या सुंदरकांड पाठ के आयोजन को आने वाले चुनाव की तैयारियां माना जाए तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तीसरी बार विधायक बना तो उसके बाद सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू हुआ है, अगर चुनाव में कोई फर्क पड़ता तो नगर निगम उपचुनाव से पहले सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया जाता, जबकि मेरा विधानसभा चुनाव 4 साल दूर है तो इस कार्यक्रम को राजनीतिक तौर पर न देखा जाए। ये जो कार्यक्रम है तो मैंने पिछले साल शुरू कराया था और आप देखें परसों हमारे नगर निगम के उपचुनाव खत्म हुए। अगर चुनावों की प्रभावित करने की इच्छा होती तो एक
दो दिन पहले करा लेते तो नगर निगम के चुनाव पे इसका असर होता, मगर जैसे ही नगर निगम का उपचुनाव खत्म हुआ हमने जो है पहला मंगलवार चुना, इसीलिए चुना ताकि कोई आदमी जो है इसको चुनावों से राजनीति से जोड़ के ना देखे, ये सीधा सीधा सामाजिक और धार्मिक कार्य, इसको धार्मिक और सामाजिक कार्य समझकर ही देखा जाए। वहीं उनसे पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी का झुकाव हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी रोजा इफ्तार पार्टी भी करती है, छठ पूजा के लिए पैसा भी देती है, गुरुद्वारे में कार्यक्रम भी कराती है, विधानसभा में क्रिसमस का आयोजन भी करती है। दरअसल आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार सभी धर्मों को बराबरी से देखती है। पार्टी का मानना है कि धर्म से लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों में प्यार फैलाया जाता है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि आज सुंदरकांड के कार्यक्रम में पार्टी के सिख, ईसाई और मुस्लिम कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। ये इस देश की संस्कृति है, लोग दिवाली के दूसरे धर्म से किसी को नफरत नहीं है। होली, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस एक साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो धर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं, जबकि धर्म का वही इस मौके पर आप विधायक सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे, जिनसे इस आयोजन पर बात करी हमारे संवाददाता आमिर खान ने। दिल्ली से ग्रेटर क्लास से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जी, जिनकी तरफ से आज यहां पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ भारद्वाज साधन टीवी पर। जी थैंक यू। सौरभ भारद्वाज जी, आपकी तरफ से सुंदरकांड पाठ का यहां आयोजन किया गया है, जनता तक किस तरह का संदेश आप इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं? देखिए, पिछले साल हमने सुंदरकांड का पाठ शुरू कराया था कि हर महीने के पहले मंगलवार को पाठ होगा, मगर कोरोना के चलते जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई थी तो उसमें इस तरीके के कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि कोरोना धीरे धीरे कम हुआ है और नॉर्मलसी वापस आ रही है, सामान्य वातावरण वापस आ रहा है, तो अब दोबारा से हमने जो शुरू किया है और अब महीने के पहले मंगलवार को ये कार्यक्रम होगा। आज शापोजेट में हमने एक नए विधायक कार्यालय का भी जो है शुभारंभ किया है, तो दोनों ही आज जो है उपलक्ष्य हैं। और मुझे लगता है कि कोरोना के बाद बहुत दिनों से लोग जो है अपने घरों में बंद थे, बहुत सारे लोग बीमार रहे, बहुत सारे लोगों ने अपने चाहने वालों को खोया भी है, बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं, तो बहुत जरूरत है कि भगवान का आशीर्वाद और बजरंग बली का, हनुमान जी का आशीर्वाद मिले और जो संकट है वो है हम सबके जो है हनुमान जी जो है संकट हर लें हमारे। सर, संकट मोचन हनुमान जी को कहा जाता है, आपने आज इस नए कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन भी करा है, तो इस कार्यालय में क्या आम जनता की परेशानियों को भी दूर किया जाएगा पूरी तरीके से? जी बेसिकली आम जनता के लिए ही है कार्यालय, यहाँ पे ऑफिस का स्टाफ बैठा करेगा और जो भी लोगों के इश्यूज होते हैं, अभी तक उनको कालका जी ऑफिस जाना पड़ता था या चिराग दिल्ली के ऑफिस जाना पड़ता था, अब लोगों के लिए यहाँ पे एक ऑफिस है तो इनके लिए घर के पास जो है एक ऑफिस अब उपलब्ध रहेगा। सर, लगातार बीजेपी की तरफ से भी हमलावर रहे हैं कि बीजेपी ने आरोप लगाए हैं आप पार्टी के नेताओं पर कि चुनाव के दौरान ही आप पार्टी के नेताओं को हनुमान याद आती है। देखिए, अभी तो कोई चुनाव नहीं है और मेरा चुनाव अभी 4-4.5 साल दूर है, तो एक बाय इलेक्शन था एनसीडी का, वो भी परसों खत्म हो गया,
तो हमने बाय इलेक्शन का इंतजार किया कि बाय इलेक्शन भी खत्म हो जाए तो ये कार्यक्रम शुरू करें, ताकि किसी भी तरीके से इसको किसी चुनाव के साथ और किसी राजनीति के साथ जोड़ के ना देखा जाए। और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव काम है और इसके अंदर लोग जो है सकारात्मकता ढूंढें, इसमें नकारात्मकता ढूंढने का कोई मतलब कि मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। सर, किस तरह का लोगों का सहयोग आपको इस सुंदरकांड के पार्ट के माध्यम से मिल रहा है? देखिए, ज्यादातर जो कार्यक्रम है इसके अंदर मेरा तो सिर्फ आइडिया था और मेरी तरफ से सिर्फ निवेदन था कि ये कार्यक्रम कराना चाहते हैं। पूरा का पूरा खर्चा, पूरी की पूरी प्रसाद की सेवा, सब कुछ जो है शाहपुर जेट के ही लोगों ने जो है वो अपनी तरफ से किया है। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम शाहपुर जेट के लोगों का ही है, मैं तो सिर्फ एक इसके अंदर जरिया हूं। और अगले महीने जो है हम इसको कालका जी में कराएंगे, तो वहां के लोग मिलके, वहां के कार्यकर्ता मिलके इसको कराएंगे, फिर अगले जीके में कराएंगे, तो इसी तरह लोगों के सहयोग से जो है कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो ये हर महीने के पहले मंगलवार को हर महीने किया जाएगा? जी, आप लोग पूरा आमंत्रित है, हर महीने के पहले मंगलवार को इस तरीके का कार्यक्रम होगा और आप लोग भी आए। और हम लोग जनता से भी अपील करेंगे आपके माध्यम से कि सब लोग जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सर, एक आपसे आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल का कितना सहयोग आपको इस सुंदरकांड पार्ट में मिल रहा है? क्योंकि आपने कहा था कि अभी तक हमने अरविंद केजरीवाल से इस बारे में बात नहीं करी है, लेकिन हम उनके पास जाएंगे जरूर। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगले कार्यक्रम के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी को या मनीष जी को इसके अंदर आमंत्रित करें, और एक बार वो आमंत्रित होंगे, यहाँ पे आएंगे, तो मुझे लग रहा है फिर सहयोग भी सरकार से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक ये कार्यक्रम जो है निजी तौर पे किया जा रहा है। तो सर, जिस तरह से बीजेपी ने लगातार हमला आपके ऊपर किया, आप पार्टी के ऊपर, दिल्ली में जो हनुमान मंदिर टूटा उसका भी आरोप आप पार्टी के ऊपर लगाया गया था। देखिए, ये बात तो अब साफ हो गई जी। भगवान रविदास जी का मंदिर भी जो तुगलकाबाद में तोड़ा जी, पहले भाजपा की ही डीडीए ने तोड़ा जी, उसके ऊपर राजनीति की और अंततः उसको जमीन दी। यहां पे भी एमसीडी की जमीन पे मंदिर था जी, एमसीडी ने नॉर्थ एमसीडी नहीं तोड़ा, पूरी राजनीति की जी, और अब वो कह रहे हैं कि हमने मंदिर दोबारा बना दिया। तो यही तोड़ते हैं और यही उसको बनाते हैं ताकि इसका जो एक एक राजनीतिक करने की कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पाती, तो अंततः जो है वो मंदिर बनवाना ही। बीजेपी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करती है ऐसे मुद्दों को लेकर? देखिए, उनकी राजनीति इस तरीके की है। मेरा मानना यह है, धर्म जो है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो सिर्फ जोड़ना सिखाता है। कोई धर्म जो है पूरी दुनिया का जो है नफरत नहीं सिखाता, तोड़ना नहीं सिखाता। तो मुझे लगता है भाजपा में भी कुछ लोग हैं जो धर्म की असली परिभाषा समझते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अंततः जो है सही लोगों की और सही उद्देश्य की जीत होगी जी। तो सर, उद्देश्य की जीत हमेशा होती आई है और आप पार्टी में सीएम केजरीवाल ने लगातार यही कहा है कि हम हमेशा लोगों के लिए खड़े हैं, लोगों के लिए कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति आप पार्टी के खिलाफ करती आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? करने दीजिए। एक्चुअली देखिए, आप समझिए कि भगवान हो, किसी भी धर्म के भगवान हो, कोई धर्म का भगवान ये नहीं कहता कि भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत में गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि 125 करोड़ लोग जो हैं वो मेरे हैं और जो बाकी 600 करोड़ लोग हैं वो मेरे नहीं हैं। ऐसे ही हर धर्म के अंदर धर्मगुरु ने कहा है कि पूरे संसार के लोग जो हैं वो भगवान के हैं, ईश्वर के हैं, ऊपर वाले के हैं। तो भगवान कभी भी दो लोगों के अंदर, दो धर्मों के अंदर भेद नहीं करते, लोग भेद करते हैं। तो सब धर्मों की जो फिलॉसफी है वो सेम है, सिमिलर है, और वो भेद नहीं करते। अगर भाजपा के अंदर कुछ लोग भेद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो समझे नहीं है धर्म को, कुछ दिनों में समझेंगे तो वो भेद करना भूलेंगे। सर, 2020 में 18 फरवरी को चिराग दिल्ली में आपकी तरफ से सुंदरकांड का पार्ट का आयोजन पहली बार किया गया था। चुनाव के बाद जब आप जीते थे तो आपने वो सुंदरकांड कराया था और आपने वहां पे ये कहा था कि जीत के बाद पहला मेरा सुंदरकांड है और लगातार मैं सुंदरकांड कराता रहूंगा, तो क्या ये बीजेपी के ऊपर पलटवार था? नहीं, मुझे लगता है कि उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था और उसके बाद हमने 3 बार सुंदरकांड कराया, बट कोरोना के चलते फिर हमने उसको बंद किया। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर तो हम तो बीजेपी का नाम भी कहीं पर नहीं लेते। आपने देखा पूरा कार्यक्रम हुआ, ना हमने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, ना हमने बीजेपी का नाम लिया। और मुझे लगता है कि
कोई भी लोग जो हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म मानने वाले हों या सिख धर्म मानने वाले हों, उनमें से किसी को इस चीज से एतराज नहीं जी। अगर बीजेपी के लोगों को इससे एतराज है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको क्यों एक धार्मिक चीज से एतराज हो रहा है। आप पार्टी की जो भक्ति है उसके ऊपर लगातार विरोधी सवाल क्यों खड़ा करते रहते हैं, उन्हें यकीन क्यों नहीं होता? देखिए उनकी परेशानी है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार तो छठ पूजा के लिए पिछले 5 सालों से पैसा देती है। 1100 छठ घाट और छठ पूजाएं दिल्ली सरकार द्वारा जो है पैसे देके की जाती हैं। 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव दिल्ली के सभी गुरुद्वारों के अंदर सरकार की मदद से मनाया गया। इसी तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर हमने क्रिसमस मनाई, दिल्ली विधानसभा के अंदर रोजा इफ्तार पार्टी दी जाती है। हम लोग सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं। भाजपा को ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की जो ठेकेदारी है वो किसी तरीके से एक राजनीतिक दल को मिल जाए, ये संभव नहीं है। बीजेपी की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्ववादी आम आदमी पार्टी को कहा गया, मुझे लगता है कि किसी को भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी इससे परेशान है तो उनको खुद सोचना पड़ेगा कि वो इस चीज से क्यों परेशान है। और मुझे लगता है कि मेरी शादी हुई हिंदू धर्म के हिसाब से हुई, मेरे माँ बाप की शादी हुई हिंदू धर्म के हिसाब से हुई, हमारे बच्चों के मुंडन हुए, हमारे घर में भी रामायण का पाठ हुआ, हमारे घर में भी कथा होती है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी तो मुझे लग रहा 25-40 साल पहले पुरानी पार्टी है जी। हिंदू धर्म तो हजारों हजार साल पहले से चलता आया है। ये कहना कि भाजपा जो है हिंदू धर्म की ठेकेदार है या उनको समझ वो इससे समझते हैं उनकी गलत फहमी है। भाजपा हिंदू और दूसरे धर्मों के बीच में नफरत फैलाने की राजनीति करती है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर हजारों साल से सभी धर्म सभी जातियां जो हैं एक साथ रहती हैं, प्यार से रहते आई हैं। तो उनको ज्यादा परेशानी है, बाकी किसी को परेशानी नहीं है। किसी मुस्लिम भाई को परेशानी नहीं है इस सुंदरकांड से, किसी सिख भाई को परेशानी नहीं है, भाजपा को परेशानी है। तो सर भाजपा लगातार आम पार्टी पर यही आरोप क्यों लगाती आती है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केवल चुनाव के वक्त ही वो हिंदुत्ववादी पर आ जाते हैं? देखिए भाजपा तो सब पे आरोप लगाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप आप पार्टी पर? भाजपा सब पे लगाती है। देखिए भाजपा तो सिखों को कहती है कि आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, है ना। तो भाजपा की अपनी समस्याएं हैं, अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। भाजपा की समस्याओं से भाजपा को खुद निपटना पड़ेगा, है ना। मैं या आम आदमी पार्टी उनकी समस्याओं का हल नहीं कर सकते, उनकी समस्याएं वो खुद निपटे। सर 2020 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे केजरीवाल जी के द्वारा एक न्यूज चैनल प्रोग्राम में हनुमान चालीसा पाठ किया गया था, उस पर भी लगातार घेरा गया था पार्टी को। देखिए एक न्यूज चैनल के एंकर को ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल को हनुमान चालीसा नहीं आती होगी जी। उन्होंने पूछा, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने सुना दिया जी। फिर उनको ये कहीं पर ऐसा लगा कि नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं हनुमान मंदिर सालों से जा रहा हूं जी, वो भी शायद झूठ बोल रहे हैं। तो वहां पे न्यूज चैनल गया भी जी, मंदिर के अंदर पूछताछ भी की, मंदिर के पुजारी ने कहा नहीं जी, तो सालों से जो है अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर आते रहे। तो ये समस्या जो है ये भाजपा की है। भाजपा को ऐसा लगता है कि 50 साल पुरानी 40 साल पार्टी ने हिंदू धर्म को पैदा किया है जी। भाजपा को ऐसा लगता है कि ये देश महान तब हुआ जब भाजपा की सरकार बनी जी। ऐसा नहीं है, कितने आनंद में है सब लोग, है ना। तो मुझे लगता है कि ये तो एक सकारात्मकता का संदेश है और इसमें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहां पे आए हैं उनके जीवन में अपने आप सकारात्मकता आएगी, बजरंगबली भगवान जी की तरफ से आशीर्वाद आएगा उनको, जीवन में दोबारा जीने की, दोबारा अपनी परेशानियों से लड़ने की एक शक्ति मिलेगी। और यही इसलिए धर्म होता है, इसलिए मंदिर होते हैं, इसलिए मस्जिदें होती हैं, इसलिए गुरुद्वारे होते हैं। तो ये थे हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली से, ग्रेटर क्लास से आम आदमी पार्टी के विधायक, जिन्होंने आज यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया और उन्होंने बताया कि इस आयोजन में पूरी तरह से जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है और लगातार ये सिलसिला उनकी तरफ से आगे भी जारी रहे।